जब कोई देश शस्त्र और शास्त्रों से परिपूर्ण निरंतर आर्थिक पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है तो खुद ब खुद विश्व के दूसरे देश उसका लोहा मानने लगते हैं, जैसा अब अमेरिका ने भारत के लिए किया। भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी अरुणाचल प्रदेश को चीन गैर संवैधानिक ढंग से अपना कहता आया है, लेकिन अब इसी चीन को अमेरिका से झटका मिला है और चीन के एलएसी पर यथास्थिति बदलने के प्रयासों और सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। दरअसल अमेरिका ने चीन और अरुणाचल प्रदेश को बांटने वाली मैक महोन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। अमेरिका की संसद में इस मुद्दे पर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है। प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद बिल हागेट्री और जेफ मार्कले ने कहा कि जब चीन लगातार खुले और आजाद हिंद प्रशांत महासागर के लिए चुनौती बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, खासकर भारत के साथ। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि चीन का। चीन द्वारा सैन्य ताकत से एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिशों, विवादित स्थानों पर चीन द्वारा गांव बसाने और चीन के नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की भी अमेरिकी सांसदों ने आलोचना की। साथ ही भूटान की सीमा में चीन के दावे की भी आलोचना की गई है। अमेरिकी सदन की दोनों पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए इस प्रस्ताव में चीन की भड़काऊ कार्रवाई के विरोध में भारत के स्टैंड की तारीफ भी की गई है और भारत के साथ तकनीकी आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है।